राजगढ़ थाना क्षेत्र की महापुरा में महिला की संदिग्ध मौत पर पुलिस ने महिला के पति उसी सास और दादिया ससुराल को किया गिरफ्तार। मां के अवैध संबंधों को छुपाने के लिए एक बेटे ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि साक्षी को छुपाने के लिए पत्नी ने के मायके वालों को झूठी कहानी भी बताई गई, किंतु पोस्टमार्टम में ये स्पष्ट हुआ कि महिला की हत्या हुई है, जिसके बाद पुलिस ने पति उसकी मां सहित प्रेमी दादा ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महापुरा में सरस्वती पति विजय की संदिग्ध परिस्थितियों में 2 जुलाई को दोपहर के समय मौत हो गई। महिला का भाई सहित मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे तो उन्हें महिला के सिर और गले में चोट दिखाई दी। ऐसे में मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने डॉक्टरों की पैनल से महिला का पीएम करवाया। मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को बयान में बताया कि सरस्वती की लाल सास लीलाबाई और उसके दादा ससुर रघुनाथ के अवैध संबंध थे। सरस्वती ने सब कुछ घर पर देख लिया था, जिसकी जानकारी भी मृत महिला ने अपने मायके वालों को फोन पर दी, जिसके बाद से उसका पति विजय, सास लीलाबाई और दादा ससुर रघुनाथ मृतिका को धमका रहे थे कि तूने ये बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। घटना वाले दिन भी आरोपियों ने महिला की गला दबाकर अवैध संबंध छुपाने की बात की। इधर हत्या की बात स्पष्ट होने के बाद राजगढ़ पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 2/7/2023 को सूचनाकर्ता गोपाल पिता दुल्ले सिंह खपेड़ करके है, जिसने सूचना दी कि मेरी बहन सरस्वती है महापुरा में फांसी लगा ली है, जिसकी सूचना पर समर्ग कायम किया गया। कायम करने के बाद जो मौके पर जाके मृतिका सरस्वती के शव परीक्षण किया गया और उसका शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें उनके परिजन बता रहे थे कि उसने फांसी लगाई है, पर उसमें ऐसा कुछ सस्पेक्टेड तथ्य आए जिसके आधार पर उसका पीएम करवाया। पीएम के दौरान ये स्पष्ट हुआ है कि मृतिका सरस्वती को गला दबा के मारा गया था। इस दौरान उसमें उनके परिजनों से पूछताछ की गई और उसमें पहले उनके परिजन गुमराह कर रहे थे, जिसमें पति था, सास और ससुर थे, और उसके बाद उसमें प्रकरण में 302 कायम किया गया। वो फिलहाल में आरोपी पति विजय को गिरफ्तार कर लिया है और उसके ससुर रघुनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया है और सास को भी गिरफ्तार कर लिया है।